तो साथियों नमस्कार, मोटिवेशन चैनल में स्वागत है आप सभी का। एक बार पुनः हम मार्किंग बनाने जा रहे हैं। इसके पहले जो मार्किंग बनी हुई थी प्रॉपर डिटेल के साथ मैनुअल और डिजिटल दोनों मार्किंग पड़ चुकी है सिंगल विजन की। आज हम बाईफोकल बनाने जा रहे हैं। बाईफोकल में मार्किंग कैसे करते हैं, कुछ साथियों की जो है रिक्वायरमेंट थी कि बाईफोकल में मार्किंग कैसे करते हैं, क्या सिंगल विजन जैसा प्रोसेस है, तो उससे थोड़ा सा अलग है, बाकी चीज़ें सेम है। तो हम वो प्रोसेस को बताएंगे कि मार्किंग कैसे करते हैं। तो हम मैनुअल भी बताएंगे आपको, लेंसोमीटर से भी आज हम क्रॉस चेक करा देंगे। इसी वीडियो में आपको हम मैनुअल भी बता देंगे और डिजिटल भी बता देंगे कि कैसे हम मार्किंग करते हैं। तो आइए हम आपको दिखाने चलते हैं कि किस तरह का फ्रेम हमने चूज किया है जो पेशेंट के कस्टमर का है। ये देखिए, इस फ्रेम में हमें करना है, इस डाई में हमें करना है मार्किंग बाईफोकल की। तो बाईफोकल का ही ध्यान हमेशा ये रहना चाहिए कि हमेशा बाईफोकल का जो चश्मा बने वो थोड़ा सा बड़ा साइज, सिंगल विजन की अपेक्षा थोड़ा बड़ा होना चाहिए ताकि दूर और पास की विजन होती है उसमें, तो थोड़ा सा स्पेसियस होना चाहिए। तो ये चश्मा आपने देखा, बाईफोकल लेंस फिट होना है। बाईफोकल में कई सारे आते हैं, डी बाईफोकल आता है, एक क्रिप्टॉक आता है, तो हम टिक्की वाला बात करेंगे जो गोला सर्किल में आता है। पावर नीचे का पावर जो गोले में बना होता है उस पे हम मार्किंग करना आपको बताएंगे, मैनुअल तरीका भी बता देंगे, डिजिटल तरीका भी। तो पूरी वीडियो बने रही है दोस्तों, आइए हम आपको अब ले चलते हैं कि कैसे हम मार्किंग। दोस्तों आपने देखा है जो है बाईफोकल की मार्किंग कैसे करते हैं, ये हम पूरा वीडियो आपको समझाएंगे। राइट का प्लेन है, लेफ्ट का प्लस 0.75 में प्लस 0.75, एक्सिस 180 180 डिग्री है, एडिशन 275 है, पौने तीन। तो ब्लू कट केटी लगनी है, तो हम आपको दिखा रहे हैं राइट का जो है आपका लेंस ये है, ये राइट साइड रख लेते हैं पहले हम, उसके बाद हमारा जो है लेफ्ट साइड लेंस ये है। तो लेफ्ट साइड का आपने देखा ही है, ये पावर है। अब हम आपको बताने चाह रहे हैं कि इसमें हम मार्किंग कैसे करते हैं बाईफोकल में, सिंगल विजन से क्या अलग है, सिंगल विजन से क्या अलग कर सकते हैं हम। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो सेम एज इट इज होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं बाईफोकल में कि जो चेंज होता है। तो अभी हमने आपको बताया कि ये है गोला, गोला लेंस का। तो इसमें जो है सबसे पहले साथियों, आप इसको जो है आप जो नीचे से जो गोला बना हुआ है उस पर कोशिश करें कि इसको हम गोला जो है बना लें, हल्का सा आपको बना लेना है, बहुत ज़्यादा गोला नहीं बनेगा तब भी चलेगा, लेकिन एक रफ्टअप आइडिया हो कि रफ्टअप आइडिया होने पे जो है, अगर रफ्टअप आइडिया गोलाई की रहेगी नीचे पावर जो टिक्की बन रहा है तो उसमें आपको थोड़ा सा फायदा रहेगा। तो ये हमने थोड़ा सा मार्किंग गोले की कर दिया, इसमें भी कर दिया, उसी तरह से इसमें भी बना लेंगे। इसका पहला प्रोसेस यही है कि हमें गोला बना लेना है, अच्छे से मार्किंग करना है बाईफोकल में, तो इसको गोला बना लीजिए। वो दिखता रहता है साथियों, आप लोग जान पा रहे होंगे कि नीचे जो गोले में पावर होती है नज़दीक की, वो अपने आप दिखती रहती है। तो थोड़ा सा लेंस को इधर उधर दाएं बाएं करके तिरछा आप उस पर मार्कर का प्रयोग कर लें। ये देखिए हमने जो है गोला बना दिया। तो सबसे पहला काम तो है कि आप गोला बना लें। दूसरा चीज़ होता है सेम प्रोसेस से, अगर जो है आपका प्लेनो है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सिर्फ 60-40 रेशियो लगा लेना है मार्किंग करने से पहले एक्सिस में। तो ये राइट का आपका प्लेन है जैसा कि नंबर, तो इसमें कुछ भी एक्सिस लगनी नहीं है, तो आपको सिर्फ जो है एक 60-40 जो रेशियो होता है बाईफोकल का वो चीज़ आपको देख लेनी है। तो ये जो है 60-40 रेशियो आपको ऐसे लेंस को देख लेना है, 60-40 रेशियो में आपको देख लेना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ तक गोला है, गोले को देखिएगा, गोले तक कितना एमएम हो रहा है उसी का हमें 60% निकाल लेना है। तो इसका 60 मतलब है जैसे 10 एमएम होता है इस बीच में। तो दोस्तों ये 60-40 रेशियो में हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ से ऊपर से लेके नीचे जहाँ पे टिक्की गोला बना है उसका 60% हिस्सा हमें डिस्टेंस को रखना है। तो सबसे पहले हमें ये नाप लेना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक 60% क्या है। तो यहाँ से लेके अगर यहाँ तक नापेंगे तो ये 6 है, तो 6 को हम हर गैपिंग में 10 होता है, 10 mm, तो 10 mm 10 10 20 30 40 50 60 60 mm अगर है ये, तो 60 का 60% जो आएगा आप लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं 60 का 60% हिस्सा।
तो आप उसको चाहे कैलकुलेटर से मैथमेटिकल फंडे से आप उसको डिवाइड कर सकते हैं कि 60% जो हिस्सा है 60 का 60%। अभी मैं कैलकुलेशन करके आपको दिखा देता हूँ 60 का 60% क्या होता है, उसी तरह से आप भी जो है दोस्तों आपको 60 का 60% निकालना है तो ये कैलकुलेशन कर लीजिए, चाहे मैथमेटिकल कैलकुलेशन। 60 का 60% निकालने के लिए 60 into 60 डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे तो आपका 60 का 60% आपको 36 mm आ जाएगा। तो 36 mm क्या हो गया, आपकी डिस्टेंस हो गई इसमें 36 mm। कुल मिला के ये कैलकुलेशन बताने का हमारा मकसद रहा कि डिस्टेंस जो आप लगाएंगे वो 36 लगाएंगे। हम अपने कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, आप अपना कैलकुलेशन अलग रखिएगा, अलग लेंस होगा, छोटा बड़ा लेंस होगा। तो हमेशा इस चीज़ को हम जो अभी लेंस पे हमने चेक किया इसी को सेम प्रोसेस हमें जो मेन अपना होता है चेक करने का ये डमी होता है। अब आपको डमी का निकालना है, अभी हमने लेंस का निकाल रखा था, लेंस से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको मैं समझाना चाह रहा था। अब हम लेंस का निकालेंगे, लेंस का उसी फार्मूले से हम लेंस का निकालेंगे। पहले डाई को चेक करेंगे कितनी बड़ी डाई है, तो ये डाई जो है आपकी 35 mm है ओवरऑल, यहाँ से यहाँ तक 35 mm। तो हमें करना क्या है कि 60% पर हमें डिस्टेंस फिट करना है, 40% पे नियर, 60-40 रेशियो यही होता है। तो आप 35 इंटू कितना निकालना है, 60% 60 डिवाइडेड बाई 100। अब आपका 35 का 21 mm हो गया। 21 mm हुआ कैसे, 21 mm देखिए आप, अब आपको इसमें 21 mm निकालना है। तो 21 mm पे हमें जो है टिक कर लेना है दोस्तों, 21 mm पे हमें टिक कर लेना। आप लोग आइडिया हमारी समझ गए कैसे मैं बताना चाह रहा हूँ, बहुत ही डिटेल की वीडियो है। 21 20 ये 220 हो गया, उसके बाद 21 mm पे हम इसको पॉइंट आउट कर लेते हैं, ये हमने पॉइंट आउट कर लिया। अब यही चीज़ हम 60-40 रेशियो इधर से भी अपना लेते हैं, इधर से टोटल हमारा कितना आया, बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे, एक सेंटर पॉइंट पे कोशिश करिए, वैसे लकीर भी खींच सकते हैं आप, हमने नहीं खींचा है। तो इसी के एवज में हमने देखा ये कहाँ कितना आ रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे 54 mm आ रहा है। तो 54 का 60% जब निकालेंगे तो वही 54 into 60 डिवाइडेड बाई 100 ये परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो 32 into 4 मतलब है कि 32.5 मतलब को ओवरऑल 33 कर सकते हैं इसको। तो 33 मतलब हो गया ये आपका पॉइंट आउट किया हमने ये, तो ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया 60-40 रेशियो का। ये देखिए आपने देखा है, ये हमने रेशियो बना लिया बाईफोकल, अभी हम प्रोग्रेसिव की बात नहीं कर रहे हैं। बाईफोकल में ये मार्किंग आप कर सकते हैं, जो प्रोग्रेसिव मार्किंग होती है वो पेशेंट की आँख से पीडी मार्क लेके किया जाता है। ये हम बाईफोकल की सेटिंग की बात कर रहे हैं कि कैसे हम मार्किंग करें, कैसे हम एक्सेस लगाएं बाईफोकल का सही तरीका। तो ये हमने कर लिया, देखिए ये हिस्सा आपका 60% हो गया, ये हिस्सा आपका 60% हो गया, ये 40 हो गया, ये 40 हो गया। तो हम अभी रख लेते हैं इसको, अब मार्किंग कैसे करेंगे, हमने इसको गोला बना ही लिया है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक भी करते रहें, शेयर भी करते रहें। अब देखिए अब हमें 60% पे ले जाके इसको बीचों बीच टिक्की पे रखना है। ये देखिए आप लोग देख पा रहे हो, अब हमने टिक्की बना ही लिया है, टिक्की भी बन गई आपकी, मार्किंग भी आपने ले लिया है। ये प्लेनो पावर थी तो एक्सेस नहीं लगानी पड़ी। तो अब हम आपको राइट का दिखाते हैं कैसे मार्किंग करते हैं। देखिए हमने रख ली, तो टिक्की के बीचों बीच सेंटर पॉइंट पे, इस सेंटर पॉइंट पे हम जो है इसको रख लेंगे। सेंटर पॉइंट टिक्की का है, चाहे स्ट्रेट मार्किंग भी कर सकते हैं, 90 डिग्री पे 180 डिग्री पे आराम से किया जा सकता है, उसमें कोई इशू नहीं। तो हमने जो है ये देखिए आप लोगों को बस समझाने के लिए हम ये कर रहे हैं। तो ये जो है हमने जो है इसको टिक्की के बिल्कुल बीचों बीच रखना है आपको साथियों, ये हमने रख लिया। देखिए 60-40 रेशियो को हमने अप्लाई कर लिया है, अब इसको हम मार्किंग कर लेते हैं। ये हमने रखा, चाहे आप अंदर से मार्किंग कर लीजिए चाहे बाहर से। देखिए मार्कर थोड़ा सा चल कम रहा है, अभी हम दिखाते हैं आपको इसको प्रॉपर मार्किंग करके। राइट की मार्किंग तो आसानी से हो गई इसलिए कि एक्सेस लगनी नहीं थी। दोस्तों ये राइट की आपकी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है,
तो आपकी ये जो है इस तरह से राइट की मार्किंग आपकी हो गई। तो ये आपका हिस्सा जो है 40% हो गया, ये आपका 60% हो गया। आपने देखा ये तो राइट की मार्किंग हो गई। अच्छा, राइट की मार्किंग इतनी आसानी से हुई क्योंकि वो ऊपर जो है डिस्टेंस पावर प्लेन है, जो लेफ्ट का है उसमें डिस्टेंस पावर में कंपाउंड पावर है, प्लस की पावर है। तो आपको सबसे पहला जो काम होगा, आप जानते हैं सिंगल विजन जैसा सिस्टम है, इसको पहले न्यूट्रलाइज कर लेंगे, इसका पावर न्यूट्रलाइज कर लेंगे, उसके बाद हम एक्सिस लगाएंगे 180 डिग्री मैनुअल तरीके से, फिर हम जो है आपको दिखाएंगे कि डिजिटल से कैसे लगाते हैं, उसी में हम आपको उसी प्रोसेस में दिखा देते हैं। तो आइए हम अब लेफ्ट का देखते हैं, इसको न्यूट्रलाइज करते हैं। न्यूट्रलाइज करने के लिए प्लस का 75 में प्लस का 75 जो है दोनों स्फेरिकल सिलेंडिकल, उसको हम माइनस से इसको न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम माइनस पावर ले लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि प्लस 0.75 में प्लस 0.75 180 डिग्री है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अपोजिट नंबर ले लेते हैं, माइनस का 0.75 स्फेरिकल पावर, माइनस का 0.5 सिलेंड्रिकल पावर। कोई ऑब्जेक्ट रख के उसको हम न्यूट्रलाइज उसी सेम प्रोसेस पे करेंगे जैसे हमने सिंगल विजन में किया है। कहाँ पे करेंगे? ये इस एरिया में, जो नीचे गोला बना है उसके ऊपर वाले एरिया में बहुत कंफर्टेबल फील होगा आपको। ऊपर रख के सबसे पहले न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। तो न्यूट्रलाइज कर लेना हमें, हम लोगों को उसी तरह से है कि सामने ऑब्जेक्ट रख के न्यूट्रलाइज कर लेना है। जहाँ पे ऑब्जेक्ट का हिलना बंद हो जाए वो आपका न्यूट्रलाइज होके 180 डिग्री आपका हो गया है, उसी पे हमें स्टिक कर देना है। ये आपका न्यूट्रलाइज हो गया है इस एरिया पे, तो हमने जो है इसको टिक कर लिया। सेम देखिएगा, टिक कहाँ करना है? जहाँ पे सिलेंड्रिकल नंबर की जो पाई होती है, पास से देखेंगे ये, इसमें सिलेंड्रिकल नंबर की एक पाई दिख रही है, तो ये पाई जो है आप देख पा रहे होंगे हल्का सा, उसी पे हमें टिक कर देना है, उसी के बिल्कुल सीधे सीधे में। ये हमने दोनों तरफ मार्क कर लिया, तो मार्क कर लेना है। तो ये आपका न्यूट्रलाइज पॉइंट हो गया, ये आपका न्यूट्रलाइज पॉइंट हो गया। अब आपको सेम उसी प्रोसेस पे आइए हम दिखाते हैं मार्किंग कैसे करते हैं। तो साथियों, आपने देखा ये हमने ये 180 डिग्री पे मार्क किया है। तो 180 डिग्री लगाने के लिए हमने ये चार्ट को ऐसे भी रख सकते हो आप, ऐसे भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो न्यूट्रलाइज पॉइंट है उसी को आपको एक्सिस लगानी है। न्यूट्रलाइज पॉइंट हमारा 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री है। तो अब हम 180 डिग्री पे, जैसे ये 90 डिग्री होता तो हमें मूव कराना पड़ता, अब हम 180 डिग्री पे एज इट इज रख लेते हैं। ये जैसे हमने 180 डिग्री रखा, ये हमने 180 डिग्री रखा है, देखिएगा 180 डिग्री रखने के बाद हमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींच लेना है, स्ट्रेट लाइन खींच लेना। वो 180 डिग्री मतलब होता है कि ऊपर भी हो सकता है नीचे भी, उससे मतलब नहीं है, लेकिन स्ट्रेट लाइन आपकी होनी चाहिए। तो हमें जो है इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। वो स्ट्रेट लाइन आगे पीछे होती है उससे कोई मतलब नहीं है, बस आपकी एक्सिस अच्छी होनी चाहिए, सही से लगनी चाहिए। ये आपकी हो गई स्ट्रेट लाइन, ये आपका एक्सिस से लगा हुआ है। तो मार्किंग कैसे करते हैं? सेम वही डमी निकालते हैं। इसमें जो है हमें 60-40 रेशियो में हमने देखा है डमी, ये को वाली चेक किया था तो 33 था, 33 पे हमें टिक कर लेना है इस साइड से। 33 ये अपना पॉइंट आ रहा है, इधर से हमें 30 कितना था आपका, इसका पूरा टोटल कैलकुलेशन उसी तरह से कर लेते हैं। कैलकुलेशन में आपका आ जाएगा 54 into 60 अब डिवाइडेड बाई 100, ये आपका 32, 33, तो ये आपका 21 था, ये अपर वाला 21 था, ये आपका 33 हो जाएगा। 33 60-40 रेशियो आपको अपना लेना है। तो ये आपका पॉइंट जो आएगा 33 वाला, ये आपका 33 पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, देखिए। अब प्लस का निशान आपका यहाँ बन रहा है, यहाँ इस तरह से प्लस का निशान आपका बनेगा, देखिए। इसको हटा देना है, ये हट जाएगा, ये आपका प्लस का निशान। तो ये प्रोग्रेसिव सिस्टम होता है पीडी मार के समय, लेकिन ये फिटिंग करते समय बाइफोकल में टिक्की वाले चश्मे पे जरूर करना है। अब रखना क्या है? इस वाले हिस्से पर रखना, आपके ऊपरी भाग पे टिक्की के, इस लाइन से मतलब नहीं, इस लाइन सिर्फ स्ट्रेट लाइन देखना है कि ये ऊपर नीचे दाएं बाएं ना होने पाए। तो ये जो हमने मार्किंग बनाया हुआ था, ये प्लस का चिन्ह, उसको ऊपर वाले हिस्से पर रख लेना है। ऊपर वाले हिस्से पर रख के मार्किंग को भी ध्यान में रख के, देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे ऊपरी हिस्से पर हमने रखा हुआ है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, उसको आप बिल्कुल पकड़ के रखें,
इस तरह से, ताकि एक्सिस भी आपकी 180 डिग्री लगी रहे, ये देख पा रहे होंगे। इसी तरह से हम जो है मार्किंग कर लेते हैं। ये देखिए हमने मार्किंग कर लिया। कभी कभी होता है पकड़ के मार्किंग करते समय घूम जाता है, तो आप लोग उतना ध्यान रखें कि ये घूमने ना पाए। ये हमने जो है दिखाया, ये देखिए ये आपका 60-40 रेशियो, मतलब ये 40% हो गया, ये 60%, ये 60% हो गया, ये एरिया 40%, तो दोनों की देखेंगे तो लगभग लगभग सेम है जितनी जानी चाहिए। तो ये देखिए आपकी राइट की हो गई, लेफ्ट की हो गई। हमने एक्सिस भी लगाया, इसमें मार्किंग भी किया, मैनुअल तरीका क्या होता है वो हमने आपको बताया। तो आप लोग आई होप समझ गए होंगे कि मैनुअल तरीके से एक्सिस कैसे लगाते हैं। एक बार हम डिजिटल एक्सोमीटर चेक भी करा देंगे, बाकी डिजिटल की जो वीडियो मार्किंग की जाएगी वो दूसरी हम बना देंगे। अभी आज मैनुअल का सारा प्रोसेस आप समझिएगा। तो ये आपने देखा कि हमने जो है इसकी एक्सिस के साथ बाईफोकल की मार्किंग इसी तरीके से किया। एक बार प्रोसेस रिपीट करता हूँ। सबसे पहले गोला बनाइए, 60-40 रेशियो अपनाइए। अगर पावर प्लेन है तो डायरेक्ट मार्किंग करिए, अगर पावर है तो न्यूट्रलाइज करिए। पहले गोला बनाइए, न्यूट्रलाइज करिए, फिर एक्सिस लगाइए, फिर मार्किंग करिए 60-40 रेशियो के साथ। 60% ये रखिए, ये एरिया, 40% ये रखिए, ये रखिए। आपने समझ गया होगा साथियों। तो आइए हम एक बार डिजिटल पे रख के एक बार क्रॉस चेक पावर भी कर लेते हैं, और आपको डिजिटल पे भी दिखा देते हैं कि डिजिटल पे किस तरह से शो करता है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो इसका डिजिटल से मार्किंग कैसे करते हैं वो भी ले आतेंगे। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि बाईफोकल में हम मार्किंग कैसे करें, हम फिटिंग करने से पहले प्रोसेस को कैसे करें, ये कि हम प्रॉपर बाईफोकल की मार्किंग कर सकें। तो आपने पूरा वीडियो डिटेल देखा होगा। कुछ अगर चीज़ें में कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसका वीडियो अलग से आपको अपलोड कर देंगे या कमेंट बॉक्स में हम आपको रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों आइए हम डिजिटल एक्सोमीटर पे एक बार पावर देखें। दोस्तों आपने देखा इसको, राइट का नंबर प्लेन आपका था, हमने आपको दिखाया, लेफ्ट का नंबर आप देख पा रहे होंगे, ये भी ये बिल्कुल एग्जैक्ट पावर है, +75 +75। तो डिजिटल लेंस मीटर का जो एक्सिस लगाने का प्रोसेस है वो हम आपको फुल वीडियो में दिखाएंगे, आइए हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों आपने देखा केटी में बाईफोकल में हम कैसे एक्सिस लगाते हैं, पूरा मैनुअल का आज का फुल वीडियो जो मैनुअल का था वो। तो डिजिटल लेंस मीटर हमने सिर्फ पावर क्रॉस चेक किया हुआ है कि पावर सही है या नहीं। तो बाकी डिजिटल लेंस मीटर का कैसे एक्सिस लगाते हैं, उसका हम बाईफोकल में एक्सिस कैसे लगती है, उसका हम प्रॉपर वीडियो अलग से बना लेंगे। ये हम मैनुअल पूरा प्रोसेस लिया कि इसमें मैनुअल तरीका क्या होता है कि किस तरह से हम डिजिटल के अलावा, जैसे मान लीजिए हर व्यक्ति के पास इक्विपमेंट इतनी नहीं होती, डिजिटल लेंसोमीटर कॉस्टली होता है, तो रूरल क्षेत्र में हमारे जो भाई हैं साथी हैं उनके पास ये अवेलेबल नहीं होता है, तो हम मैनुअल तरीके से कैसे लगाएं। और वाकई में हमारा जो मैनुअल तरीका है वो तो सबसे अच्छा होता है, रामबाण वही है। मैनुअल का जानकारी बहुत ज़रूरी है, हमेशा मशीन काम नहीं करती, मशीन ख़राब हो जाएगी तब भी आपको मैनुअल करना पड़ेगा। तो पहला प्रोसेस, टिक्की को पहले गोला कर लें, आसानी रहेगी। 60-40 रेशियो अपनाएं, प्लेन है तो डायरेक्ट मार्किंग कर लें 60-40 के अकॉर्डिंग। अगर आपका पावर है तो उसको पहले न्यूट्रलाइज कर लें, एक्सिस लगा लें मैनुअल तरीके से चार्ट के माध्यम से, उसके बाद हम जो है मार्किंग कर लें, वही 60-40 रेशियो को अपनाना है। तो 60-40 रेशियो ओवरऑल कई बार हमने बात की है, तो आप समझ चुके होंगे कि हम किस रेशियो की बात करें। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जो साथी न सब्सक्राइब किए उनको सपोर्ट करते रहें, नए नए वीडियो इस तरह से टेक्निकल वीडियो हम लाते रहेंगे। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक, आप सभी का दिन शुभ हो, जय हिंद।